श्रीमान राकेश गोस्वामी जी पधार रहे हैं। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ उनका बहुत ही हृदय से स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी अस्वामी जी थोड़ा सा टीम बजा दीजिए, मैं माला माला की थी बजा दीजिए, अच्छा लगेगा। भैया भैया वहीं से खड़े होकर घुमाओ। ये तो पता ही नहीं लगा विधायक, ये तो पता ही नहीं लगा कब आशीर्वाद आपके दे दिए। सारे लोग मूक दर्शन बैठे हुए ताली बजा करके याद बताएंगे कि आपका आशीर्वाद है। अच्छा जी, अच्छा प्रदेश से पधारे हुए हमारे ये गौरव और मूद कराने वाली दीदी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, ये जैसा आप सभी पत्रकार बंधु जानते हैं, हमेशा नगर पालिका ये 7वीं बार विवाह समारोह करने जा रही है। ये माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी की योजना है जिसके तहत हम ये विवाह समारोह रख रहे हैं। इसमें हमारे पूरे 15 जोड़ा हैं, इसमें एक मुस्लिम जोड़ा है, जो कि मैं एक बार ज़रूर कहना चाहूँगी, जो हमारे यहाँ आजकल प्रचार प्रसार चल रहा है कि ये योगी जी हो या मोदी जी, जातिवाद का ज़्यादा नारा लगाते हैं सभी विपक्षी, तो इसमें आप खुल के देखते हैं कि ये साथ हमारे यहाँ जो 7वां ये विवाह समारोह है, और मुझे लगता है हर विवाह समारोह में कभी मुस्लिम जोड़ा एक होता है, कभी दो हो जाता है, कभी तीन हो जाता है, लेकिन इसमें हमने कभी कोई पक्षपात नहीं किया है। हमारे यहाँ माननीय योगी जी का निर्देश है कि जैसे एक पंडित को बुलाकर हम भावरे कराते हैं अपनी जोड़ों ये हिंदू जोड़ों की, उसी तरह हम मौलवी को भी, आप हमारे साक्ष्य है, आपने सामने देखा भी है कि मौलवी को बुलाकर बाकायदे हम जो मुस्लिम जोड़ों की विवाह समारोह होता है उसी तरह से उन्हीं रीति रिवाजों के तहत मैं उनका विवाह करा रही हूँ। और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं आज माननीय योगी जी की योजना के तहत मैं आज अपने आंगन से, अपने नगर पालिका परिवार की तरफ से मैं अपने आंगन से अपनी बेटियों को यहाँ से विदा करती हूँ, बाखूबी हमेशा विदा करती हूँ। उनको इतनी अच्छी सौगात, अभी तक तो आपने देखा है कि उनको 30,000 उनके उसमें जा रहा था, लेकिन आज ये हमारे माननीय योगी जी की ही उनके आशीर्वाद है कि उनको आज हम 51,000 का की सौगात दे रहे हैं। उनको बर्तन भी होते हैं, दहेज का सामान होता है, और पायल बिछिया साड़ी ब्लाउज सारा कुछ होता है। बाकी हम खुद, हमारा ये महोबा परिवार इतना अच्छा है कि सभी लोग कुछ ना कुछ आज बेटियों को अपने तरफ से गिफ्ट उपहार दिया करते हैं। तो ये हमारे यहाँ सफल कार्यक्रम है। हमारी सरकार को मैं बार बार धन्यवाद दूंगी कि जिस तरह हमारे योगी जी मोदी जी आज हमारी बेटियों को आशीर्वाद दे रहे हैं, ईश्वर करे हमें हमेशा उनका आशीर्वाद मिलता रहे, हमारी बेटियों को उनका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत नगर पालिका परिषद महोबा के कार्यक्रम स्थल पर 15 जोड़ों का, आज 15 कन्याओं का विवाह संपन्न हुआ है। इन जोड़ों को बतौर आशीर्वाद क्या दिया जा रहा है? बतौर आशीर्वाद शासन से इनके लिए 35,000 रुपये इनके खाते में दिए जाते हैं। फिर इनके 7 तरह के बर्तन दिए जाते हैं, जिसमें कुकर, थाली, लोटा, परात, चम्मच आदि हैं। एक कीपैड मोबाइल दी जाती है, एक बक्से दिए जाते हैं। उसके बाद उनके वस्त्र पूरे दिए जाते हैं जो पहनने के होते हैं। गरीब तबके के लिए कितनी बड़ी सौगात मानते हैं आप इसका? वो सरकार की बहुत बड़ी योजना है कि जो नहीं शादी कर पाते हैं वो यहाँ आके बहुत खुशी से उनके गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति और उनके आशीर्वाद वचन के बीच में शादी होती है। बहुत बहुत बड़ी योजना है। मुस्लिम जोड़े कितने हैं? मुस्लिम जोड़े एक हैं।